स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम ध्वनि या वर्ण के विषय में बताने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वस्तुतः आप जान लीजिए, जिसका खंड ना हो उस मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, इसके खंड नहीं हो सकते। दूसरी परिभाषा देख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, माता शब्द में दो ध्वनियां हैं। माता शब्द में दो ध्वनियां हैं, एक मां और दूसरा ता। अब इसके चार खंड हैं। माता में दो ध्वनियां हैं और इन दोनों ध्वनियों के अंतर्गत चार खंड हैं। कैसे, वो देखिए, म में दीर्घ आ जुड़ता है तो मां बनता है, त में दीर्घ आ जुड़ता है तो ता बनता है। तो इस प्रकार से चार ध्वनियां हुई, म आ त आ, तो ये माता शब्द बना। तो अब इसके खंड नहीं किए जा सकते, यही मूल ध्वनि है, इसी मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं उच्चारण समूह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये 52 वर्ण कैसे हैं, उनके विषय में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, स्वर मुख्य रूप से 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर माने गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, बचपन में या निचली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि 13 स्वर होते हैं। 13 नहीं, मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। उसमें जो दो अलग किया गया है वो है अन और अहा। ये अन और अहा को अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ में रहे, उसको अयोगवाह कहते हैं। तो ये स्वर के साथ भी जुड़ते हैं और व्यंजन के साथ भी जुड़ते हैं, इसलिए इनको अलग श्रेणी में रख दिया गया अयोगवाह के अंतर्गत। तो दो हो गए अयोगवाह में, अन और आहा। अब देखिए, व्यंजन के अंतर्गत उच्चारण स्थान निश्चित किए गए हैं, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसके आधार पर हमारे व्यंजन उच्चरित होते हैं। वो पंचवर्गीय व्यंजन भी इनको कहते हैं, इन पांच उच्चारण स्थानों के आधार पर ही उच्चरित होते हैं। तो देखिए, कंठ उच्चारण स्थान से जो उच्चरित होते हैं वो कावर के अंतर्गत आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। तो ये पांच कावर के अंतर्गत है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। आप बोलकर अनुभव करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका उच्चारण कहां से हो रहा है। जैसे क कंठ से उच्चरित हुआ, ख, ग, घ, अंग, तो कहां से उच्चरित हो रहे हैं, कंठ से। अगला तालु से जो उच्चरित होते हैं, चावर के अंतर्गत उनको रखा गया है, ये भी पांच हैं, च, छ, ज, झ, ये इनका उच्चारण स्थान देखिए, तालु,
ताल कहाँ है? ये ऊपर। तो जब हमारी जीव ताल को स्पर्श करती है तब उनका उच्चारण होता है, तब ये उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान निश्चित है, वहीं से उच्चरित होंगे, दूसरे उच्चारण स्थान से उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत जो टावर के अंतर्गत रखा गया है, टक ठा ड ढा अड़ा, तो ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण स्थान जब हम जीभ को उल्टा करते हैं और उल्टा करके बोलते हैं तो वो मूर्धा, ये इसको मूर्धा बोलते हैं। जैसे हाथी अपना सूंड ऊपर करता है तो ठीक उसी तरह से जीभ भी हमारी ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तब ये ध्वनियां उच्चरित होती हैं, टा ठा ड ढ अड़ा, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब आगे देखिए, दंत उच्चारण स्थान के अंतर्गत तावर को रखा गया है, ता था द धा ना, तो ये जीभ जब हमारी दांत को स्पर्श करती है तब उच्चारित होते हैं। अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास करके आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। उसके पश्चात ओष्ठ वर्ग के ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत पाद वर्ग आता है, प फा ब भा मा, ये जब दोनों ओष्ठ हमारे जुड़कर खुलते हैं तब ये उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखा गया है। अगर आप चाहें ता को ओष्ठ से बोले तो नहीं बोल पाएंगे, प ही आप ओष्ठ से बोल सकते हैं, पा को भी दूसरे उच्चारण स्थान से नहीं बोल सकते हैं, इनका उच्चारण स्थान निश्चित है। अब इसके अंतर्गत आपके ये पांच वर्गीय व्यंजन हैं, इन पांच वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, सभी में पांच पांच वर्ण हैं। अब उसके पश्चात अंतस्थ, अंतस्थ जो नाभि के स्थान से उच्चरित होते हैं उनको हम अंतस्थ उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ण है इसमें देख लीजिए, य र ल व, देखिए ये चारों का उच्चारण स्थान नाभि, तो नाभि से उच्चरित होते हैं, इनको अंतस्थ कहा गया है, इसलिए अंदर से उच्चरित होते हैं। अब देखिए ऊष्म, ऊष्म उच्चारण स्थान के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन में चार वर्ण है इसमें भी, जिसमें तालव्य सा जो ताल से उच्चरित होते हैं, मूर्धन्य सा जो मूर्धा से उच्चरित होते हैं, और दंत सा जो जीभ जब हमारी दांत को स्पर्श करती है तब उच्चरित होते हैं तो उनको दंत सा कहते हैं, और हा, तो ये चार वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। श, श, सा, तो और हा, ये चार वर्ण उस व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। अब संयुक्त व्यंजन में इसमें भी चार वर्ण हैं, छत्र ज्ञा स्र, तो ये संयुक्त तो कैसे हुए, दो वर्ण मिलकर इसकी रचना करते हैं, जिसे छ, तो ये छत्री वाला जो छ बनता है वो का और सा मूर्धन्य सा से मिलकर बनता है, का में हलंत, देखिए जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियां हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं। तो यहां संयुक्त स्वर, चार संयुक्त स्वर हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, स्वरों का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें बताएंगे, आज आप समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। तो छत्री वाला छ, आधा क और मूर्धन्य सा से बनता है, त्र आधा त और रा से मिलकर बनता है त्र, और ज्ञा आधा ज और न्या से मिलकर बनता है, और स तालव्य स से और
र से मिलकर बनता है स्र। अब देखिए द्विगुण व्यंजन या इसको हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त जो हमारी जीभ ऊपर जाती है और झटके के साथ नीचे आती है और जब उसमें जो उच्चरित होता है उसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सड़क और पढ़ना, तो सड़क में जो अड़ा लगा हुआ है वो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है और पढ़ना में जो अड़ा लगा हुआ है वो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये 52 वर्ण हैं, कैसे हैं उनके विषय में आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में देख लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना होगा 11। फिर पूछा जाएगा अयोग वाक की कुल संख्या कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 2। प्रश्न पूछा जाएगा वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत 25। 5 वर्गीय व्यंजन है और पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, इस प्रकार से वो 25 होते हैं। फिर पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। उष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं, उनके वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, तो ये 4 हैं। उष्म व्यंजन के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने उष्म व्यंजन हैं, तो उत्तर होगा 4। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 4। फिर द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, उत्तर होगा 2। तो इस प्रकार से ये यदि आप उसको काउंटिंग करेंगे तो कुल 52 वर्ण आपके होंगे। तो इस प्रकार से यदि कभी परीक्षाओं में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो आपको 52 ही लगाना होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस प्रकार से आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो में कुछ संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के माध्यम से आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।